डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे भागलपुर के मायागंज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल समेत निजी क्लिनिकों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। सदर अस्पताल हो या मायागंज अस्पताल, दोनों ही अस्पतालों में डेंगू वार्ड में इलाज कराने वालों के अलावा डेंगू बीमारी की आशंका पर इसकी जाँच के लिए काफ़ी तादाद में शहर और ग्रामीण क्षेत्र से लोग पहुंच रहे हैं। एक ओर जहां मौसम के कारण फैलने वाली बीमारी को लेकर अस्पताल में मरीजों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं पिछले एक माह से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के लिए चिंता का सबब बन गई है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मायागंज अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए कुल 175 बेड तैयार किया गया है, जबकि सदर 60 बेड की व्यवस्था की गई है, जिससे डेंगू पीड़ित मरीजों का सही समय पर उचित इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मायागंज अस्पताल डेंगू वार्ड में फिलहाल 151 और सदर अस्पताल डेंगू वार्ड में 24 डेंगू मरीज भर्ती हैं, जिसका इलाज जारी है। हालांकि काफ़ी संख्या में डेंगू पीड़ित स्वस्थ भी हो रहे हैं और भागलपुर के दोनों ही अस्पतालों में स्वस्थ होने के बाद कई लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। बात अगर बुधवार की करें तो JLMCH में 18, सदर अस्पताल में 5 और निजी क्लिनिकों में 6 नए डेंगू मरीज मिलने की बात कही जा रही है, जिनका इलाज जारी है। 60 चक से आए हैं, डेंगू का रिपोर्ट लेने आए हैं, 11 बजे से नंबर में लगे हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है इनको। क्या हो रहा है, भीड़ काफी है? भीड़ तो काफी है सर, काउंटर होना चाहिए, क्या काउंटर है, काफी दिक्कत है, काफी दिक्कत है, 11 बजे से लगे अभी 1 बजने जा रहा है सर। भागलपुर और आसपास के शहर में झपटमार गिरोह बड़ी समस्या बनती जा रही है। अक्सर किसी न किसी इलाके में झपटमारी की वारदात देखने को मिल रही है, जो न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। आलम यह है कि आरोपी झपटमार की CCTV फुटेज मिलने के बाद भी पिछले कुछ महीनों में इन घटनाओं पर लगाम नहीं लग सका है। वहीं इस तरह की घटनाओं को देखते हुए भागलपुर के CT DSP अजय कुमार चौधरी ने खुद ही कमान संभाल ली है और हर चौक चौराहों पर CT DSP के नेतृत्व में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। रोको टोको अभियान के तहत विभिन्न चौक चौराहों पर सभी वाहन को रोककर पूछताछ और कागज की जांच की जा रही है, जबकि किसी प्रकार के संदेह पर नियमों का उल्लंघन करने वालों को CT DSP ने जुर्माना भी लगाया है। वहीं मंगलवार की रात्रि मुजाहिदपुर, बबरगंज और इसाकचक थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं CIAT की टीम ने मुजाहिदपुर, इसाकचक और बबरगंज क्षेत्र के हॉटस्पॉट पर रोको टोको अभियान चलाया। इधर चिन्हित किए गए जगहों पर लोगों को रोककर CT DSP अजय कुमार चौधरी एवं अन्य पदाधिकारी भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ मोटरसाइकिल एवं चार पहिया वाहन की डिक्की की सघन जांच करते दिखे। इस दौरान बिना हेलमेट, कागजात नहीं रहने और चार पहिया वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट नहीं लगाने पर DSP की मौजूदगी में उनका चालान भी काटा गया। हाँ, कई लोगों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ हो रही है और इसका असर आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में महीने में आपको दिखेगा। और ये जो अभियान शुरू किया गया है, हालांकि हम लोग कर रहे थे, शादी लिबास में हमने लोगों को लगा रखा था और हमारा पुलिस की गश्ती, हमने CIT की टीम को भी सेंडिस कंपाउंड के आसपास, कचहरी के आसपास हमने लगा रखा है, सब जगह पे काम हो रहा है, लेकिन अब हम अभियान के तौर पे इसको कर रहे हैं। वाहन चालकों का सर चालान भी काटा जा रहा है सर? जी हाँ, साथ में हमने जो चालान काटने का मशीन है वो भी कैरी कर रहे हैं, उसके माध्यम से चालान भी काटी जा रही है, ताकि लोगों में एक सिविक सेंस डेवलप हो, ट्रैफिक सेंस भी डेवलप हो और विधि व्यवस्था भी मेंटेन रहे, ट्रैफिक व्यवस्था मेंटेन रहे और ऐसे चिंता के बाद से हम थैंक यू सर। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षक प्राधिकार की ओर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस दौरान पादप जीन संरक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे किसानों में से 6 FPO ग्रुप के किसान और 19 व्यक्तिगत किसानों को सम्मानित किया गया। वहीं इस समारोह में बिहार से 2 ग्रुप के फार्मर को सम्मानित किया गया, जिसमें लीची फार्मर ग्रोवर समूह एवं भागलपुर कतरनी राइस फार्मर समूह को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया।
बता दें कि ग्रुप फार्मर को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत किसान को 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। व्यक्तिगत किसानों में जमुई से अर्जुन मंडल को औषधीय पौधों की खेती के संरक्षण, मुंगेर के किसान सत्यदेव सिंह को चना एवं तीसी प्रभेद के संरक्षण के लिए और रोहतास के 2 किसान दिलीप कुमार सिंह को बैगन, टमाटर, करेला एवं धनिया के सफ़ेद प्रभेद को संरक्षित करने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ चावल, हल्दी एवं लौकी के संरक्षण के लिए किसान अर्जुन सिंह को पुरस्कार से नवाजा गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसान को अन्नदाता की संज्ञा देते हुए कहा कि बिना अन्न के यह तन भी नहीं रह पाएगा, इसलिए किसान हमारी देश एवं दुनिया के धरोहर भी हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि सचिव मनोज आहूजा, PPV के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा और ICR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक समेत जापान एवं नाइजीरिया के प्रतिनिधि ने भी अपनी बात रखी। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह समेत विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति और अलग अलग संस्थानों के डायरेक्टर के अलावा देश विदेश से पहुँचे 500 प्रतिनिधि एवं किसानों ने हिस्सा लिया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय MBA विभाग के नवनिर्मित बिल्डिंग के सामने से अतिक्रमण हटाया गया। पिछले कई वर्षों से MBA विभाग के बिल्डिंग और गांधी विचार विभाग की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। वहीं अतिक्रमण करने वालों ने कुछ देर के लिए हंगामा करते हुए विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बलों की तैनाती के कारण स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इसको लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर SD झा ने कहा कि काफ़ी दिनों से MBA की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी, जबकि यहाँ का माहौल भी पढ़ाई के लिए अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके कारण छात्र छात्राओं को यहाँ आने में काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन जिला प्रशासन से अनुरोध के बाद इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार इन लोगों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन लोगों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे उस दिनों से कि ये अतिक्रमण हटे तो एक पढ़ने लिखने का माहौल बने, यहाँ के MBA के सारे स्टूडेंट वगैरह, सारे जो स्टाफ एंड शिक्षक हैं, वो माहौल नहीं बन पा रहा था पढ़ने लिखने का। तो सरस्वती की भी जो साधना होती है ना, वो स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ चाहिए उनको। तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे और आज उसका रिजल्ट जो आपके सामने में है, हम जिला प्रशासन को अपनी ओर से, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि ये जो अतिक्रमण है वो आज मुक्त हो रहा है। और दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भागलपुर नगर निगम एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शहरी आजीविका स्वयं सहायता समूह के लिए आउटरीच शिविर का आयोजन किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित आउटरीच शिविर के दौरान दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के NULM पदाधिकारियों और स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय कार्यालय मुंबई के महाप्रबंधक गुणानंद गामी और क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्र प्रमुख इश्तियाक अरशद समेत उप प्रमुख और BRM के अलावा ग्रामीण विकास अधिकारी ने अपनी बात रखी। वहीं भागलपुर नगर निगम की ओर से DNULM के पंकज भट्टाचार्य, मृत्युंजय कुमार सिन्हा एवं अमरेंद्र कुमार ने हिस्सा लेकर आउटरीच कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। शिविर में 17 स्वयंसेवक समूहों को महाप्रबंधक के द्वारा 42 लाख रुपये की स्वीकृति पत्र वितरित किया गया, जबकि इसके पूर्व अब तक बैंक की ओर से 75 स्वयं सहायता समूह के बीच कुल 2,10,00,000 के ऋण स्वीकृत की बात बताई गई। इसके अलावा कार्यक्रम में महिला उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले CMM और CRP को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।